गांव के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। नवीन नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को AI आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाना प्रस्तावित है। चयनित युवाओं को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट्स के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रेलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने एवं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए मैं अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEOs की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ साथ आउटरीच एक्सपोजर के भी अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।